गाइस अभी तक आपने काफी वीडियो देख ली होंगी हाउ टू चेंज फॉर वॉइस चेंजर फॉर रेडमी नोट 8 प्रो। गाइस आपने काफी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर बताते हैं कि आप किस तरीके से रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर वॉइस चेंज एप्लीकेशन की हेल्प से जो इंक्लूड वॉइस चेंज एप्लीकेशन आता है हमारे रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर किस तरीके से आप उसको इनेबल कर सकते हो, क्या वो रियलिटी में इनेबल हो सकता है, क्या वो ऑप्शन अपने मोबाइल में है। गाइस इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने वॉइस चेंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्लूड हमारे गेमिंग वॉइस वीडियोस के अंदर। जो वॉइस चेंज एप्लीकेशन है जो इंक्लूड जो Redmi Note 8 Pro के अंदर एप्लीकेशन का जो वर्जन आता है वो इस टाइम पे काफी पॉपुलर हो चुका है। गाइस क्या आप अपनी Redmi Note 8 Pro के अंदर अपनी वॉइस चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आज अपने इस टॉपिक पे बात करने वाले। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। पहला इसका ऑप्शन है हाँ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते आज टॉपिक है इन चीजों के ऊपर। गाइस मेरे पास भी Redmi Note 8 Pro ही है। Redmi Note 8 Pro के अंदर आप वॉइस चेंज कर सकते हो पर उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके पास होनी चाहिए। पहला, अगर आपने फोन इन्हीं दिनों में लिया है 1 से 2 साल के अंदर अगर आपने ये Redmi Note 8 Pro को अगर आपने बाय किया है तो आपके फोन में ये वॉइस चेंजर एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है जो कि Redmi वालों का ही है। अगर आपका फोन थोड़ा ओल्ड है, अगर जब आपका जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब अगर आपने ये फोन खरीदा था तो यार मुश्किल है थोड़ा सा। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि ये चीज मेरे साथ फेस हुई है तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। गाइस Redmi के ऐसे काफी फोन्स हैं जिसके अंदर वॉइस चेंजर एप्लीकेशन पहले से मौजूद हैं, ठीक है, और अपने में से काफी फोन्स ऐसे हैं जिसके अंदर वॉइस चेंजर एप्लीकेशन वर्क ही नहीं कर रहा है। और काफी यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कुछ ट्रिक बताते हैं जो कि मैं आपको अभी वीडियो के चलते चलते बता रहा हूँ। इस चीज को ऑन कर दो, उस चीज को ऑन कर दो, इस चीज को ऑफ कर दो, इस तरीके से काफी चीजें वीडियोस के अंदर वो बताते हैं पर अपने ये सब कुछ अप्लाई कर लेते हैं पर अपना वॉइस चेंजर एप्लीकेशन इनेबल ही नहीं होता है। अपना वॉइस चेंजर एप्लीकेशन इनेबल नहीं होता है ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस अपने फोन के अंदर ये चीज पहले से इंक्लूड नहीं थी, इसके लिए इसलिए इनेबल नहीं होता है। अगर आपके फोन में ये पहले से इनेबल होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। आप जब भी कभी गेम खेलोगे तो आपका बूस्टर जो गेम है वो आपको बता देगा कि आपके अंदर वॉइस चेंजर एप्लीकेशन का एक फीचर है वो इंक्लूड है, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां दिख जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो आपके पास नहीं है और वो नहीं है। आने वाले टाइम में क्या पता कोई अपडेट्स में हमें देखने को मिल जाए कि वॉइस चेंजर एप्लीकेशन है वो इंक्लूड हो चुका है MI कंपनी की ओर से। जब हमारा Redmi Note 8 Pro का ऑफिशियल वॉइस चेंजर जब हमारे फोन में अपडेट के थ्रू इंस्टॉल करवा दिया जाएगा तब मैं एक और डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। गाइस अभी जो लीक्स आ रहे हैं काफी सारे यूट्यूबर्स लीक्स देते हैं कि काफी अपडेट्स आने वाले हैं जिसके अंदर वॉइस चेंजर एप्लीकेशन Redmi Note 8 Pro के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब वो कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक। गाइस तो कभी भी फ्यूचर के अंदर Redmi Note 8 Pro के अंदर कभी भी कोई वॉइस चेंजर एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है या कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि न्यू एप्लीकेशन या कोई भी वॉइस चेंजर एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू होता है Redmi Note 8 Pro के लिए या कोई और अदर मोबाइल के लिए मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। गाइस तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि न्यू अपडेट्स आते रहते हैं और गाइस बहुत ही जल्दी न्यू अपडेट आने वाले हैं जिसके अंदर Redmi Note 8 Pro के अंदर भी हमें वॉइस चेंजर देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये देखने को हमें मिले कि मेरे पास ही वही फोन है जो आप सभी के पास है जिसके अंदर वॉइस चेंजर एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, अगर जैसे ही मेरे पास आता है तो मैं आप सभी को एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। अगर कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और आपको यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलता है, कोई भी फेक कंटेंट नहीं मिलता है। और सेटअप हम धीरे धीरे सेट कर रहे हैं और आप सभी को न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताते रहेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा कब वो अपडेट्स आने वाले।